देखिए बच्चों, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक का एक हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। टॉपिक है डाउरी, अ टोकन ऑफ लव और कर्स। डाउरी का मतलब होता है दहेज। जो दहेज पता जो हमारे समाज में जाते हैं वो क्या है? क्या ये एक प्यार की निशानी है या फिर यह एक अभिशाप है? कर्स का मतलब होता है श्राप या अभिशाप, अभिशाप या फिर श्राप। क्या जो दहेज दिया जाता है एक लड़की को उसके पेरेंट्स के द्वारा, क्या यह एक प्यार का प्रतीक है या फिर यह एक श्राप का प्रतीक है? टोकन का मतलब होता है, टोकन का मतलब एक प्रकार का चिन्ह होता है या आपके दो प्रतीक। तो इसके ऊपर हमें लिखना है, और पहले तो हम लिखेंगे फॉर में और उसके बाद में लिखेंगे अगेंस्ट में। जैसा कि सवाल पूछा जाता है उसी तरह से हमें इसका है वो जवाब देना है। अगर इसके फेवर में पूछा जाता है तो फॉर में देना है, और अगेंस्ट में पूछा जाता है तो अगेंस्ट देना है। सबसे पहले हम दे रहे हैं इसका फॉर में कि जो दहेज प्रथा है, जो दहेज एक लड़की को उसके पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है वो एक किसका प्रतीक है? वो एक प्यार का प्रतीक है। माता पिता का अपनी बेटी के प्रति एक प्यार का प्रतीक है। तो दहेज है, इसमें हम क्या देखेंगे? दहेज की हम बुराई नहीं करेंगे, इसमें है वो हम दहेज को एक अच्छा मानते हुए इसके पक्ष में है वो हम लिखेंगे। देखिए, और दूसरी बार में हम क्या लिखेंगे? अगेंस्ट में। ये क्या है? ये टोकन ऑफ लव नहीं है, ये टोकन ऑफ है वो कर्स है, यानी किसका है वो निशानी है। ये जो दहेज है वो दहेज एक श्राप या एक अभिशाप की निशानी है। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले लिखा है फोर में, डॉरी एस यू आर लव मीन्स द गिफ्ट गिवन टू अ गर्ल बाय हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हर वेडिंग। इट इंक्लूड्स द लव ऑफ हर पेरेंट्स एज वेल विशेस फॉर हर। दीज गिफ्ट्स हेल्प हर स्टार्ट न्यू लाइफ इन अ न्यू होम। दिस मेक्स हर लाइफ इजी। देखिए, फेवर में बात की गई है और इसमें लिखा है कि जो डाउरी, जो दहेज जो दिया जाता है, डाउरी एज वी ऑल नो, जो दहेज जिसको हम सभी लोग जानते हैं, मीन्स जिसका मतलब ये होता है, द गिफ्ट गिवन टू ए गर्ल बाय हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हर वेडिंग, जो कि एक प्रकार का गिफ्ट होता है। और ये जो इस प्रकार के दिए जाने वाले उपहार जो है वो एक लड़की को उसके माता पिता के द्वारा उस समय दिया जाता है जिस जबकि उसका विवाह हो रहा होता है। वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है मैरिज। तो विवाह के समय दिया जाने वाला माता पिता के द्वारा अपनी एक बेटी को जो गिफ्ट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? डॉरी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स द लव ऑफ हर पेरेंट्स एज वेल एज वेल विशेस फॉर हर। अब देखो, ये जो गिफ्ट दिया जाता है इस गिफ्ट के अंदर इंक्लूड होता है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना या समाहित होना, यानी ये जो गिफ्ट दिए जाते हैं, ये जो दहेज जो दिया जाता है इसके अंदर क्या निहित होता है? इसके अंदर है वो प्रेम निहित होता है ऑफ हर पेरेंट्स उसके माता पिता का, एज वेल एज वेल विशेष और इसके साथ साथ में उसके शुभ चिंतकों का। वेल विशेष का मतलब होता है शुभ चिंतक। फॉर हर यानी उस लड़की के प्रति। ये जो दहेज होता है वो एक ऐसा गिफ्ट होता है जिस गिफ्ट के अंदर उसके माता पिता और उसके शुभ चिंतकों का जो है उसके प्रति उसके अंदर प्रेम निहित होता है। दीज गिफ्ट्स हेल्प हर स्टार्ट न्यू लाइफ इन न्यू होम। और ये जो गिफ्ट जो होता है, ये जो दहेज जो दिया जाता है वो उस लड़की की है वो मदद करते हैं स्टार्ट न्यू लाइफ इन न्यू होम, एक नए घर में एक नया जीवन प्रारंभ करने में उसकी मदद करते हैं। दिस मेक्स हर लाइफ इजी। और ये जो है डॉरी, जो दहेज जो होता है, गिफ्ट जो होता है वो उसके जीवन को क्या कर देता है? सरल बना देता है। अब हम बच्चों बात करते हैं अगस्त में कि ये जो डाउरी सिस्टम है वो एक अच्छी बात नहीं, ये बुराई है, ये टोकन ऑफ लव नहीं है, ये टोकन ऑफ कर्स है, इसकी बात करते हैं। तो हम इसके अगस्त में बात करेंगे, डाउरी की है वो फेवर में बात नहीं करेंगे। देखो, डाउरी गिवन टू वेल्स ऑन विच मे बी गुड बट द फॉर इट हैज टेकन टू डे रियली disgusting, brides are tortured and sometimes even killed for want of more and more dowry. The greed of in-laws destroys the life of girls. Keeping this in view, dowry system should be totally abolished.
देखिए बच्चों, डॉर इज गिवन टू वंस ऑन मिस्टर मेरी गुड। देखो यहाँ पे बात की गई है कि जब तक ये दहेज कोई अपनी इच्छा के अनुसार देता है तब तक इसको क्या समझा जाता है, भले ही इसको है वो अच्छा समझा जाए, यानी अपने विश से, अपनी इच्छा से कोई अपनी बेटी को कुछ दहेज देता है तो भले ही है उसको क्या माना जा सकता है, अच्छा माना जा सकता है। बट द फॉर्मर इट हैज टेकन टूडे इज रियली डिस्कस्टिंग। लेकिन हम बात करते हैं उस फॉर्म की, उस रूप की, उस तरीके की कि जिस तरीके से आज के दिन जो ये दहेज लिया जाता है इज रियली डिस्कस्टिंग। ये वास्तव में एक घृणास्पद है बच्चों। डिस्कस्टिंग का मतलब होता है अरुचिकर, अरुचिकर या घृणास्पद, यानी घृणा के लायक है। ब्राइड्स आर टॉर्चर्ड एंड समटाइम्स इवन किल्ड फॉर वन डॉग मोर एंड मोर डॉग। इसका कारण क्या है कि लोग क्या करते हैं, ब्राइड्स आर टॉर्चर्ड, अब लोग क्या करते हैं कि दुल्हन जो जो नई नई जो आई हुई होती है उसको लोग टॉर्च करते हैं, टॉर्च करते हैं उसको, बार बार है वो सताते हैं, प्रताड़ना देना। बच्चों टॉर्च का मतलब होता है प्रताड़ित करना, तो बार बार उसको प्रताड़ित करते हैं। एंड समटाइम्स इवन किल फॉर वन ऑफ मोर एंड मोर डॉरी, और कभी कभी क्या होता है कि उसको अधिक से अधिक दहेज लाने की चाहत में उसको मार भी दिया जाता है। द ग्रीड ऑफ इन लॉज डेस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ द गर्ल, और इस प्रकार ये जो इन लॉज का जो ग्रीड होता है, इन लॉज का मतलब होता है ससुराल वालों का, जो ससुराल वालों का जो ये ग्रीड जो होता है, जो लालच जो होता है अधिक से अधिक से दहेज मंगवाने का जो लालच होता है, यही लालच क्या कर देता है, उस एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। डेस्ट्रॉय नष्ट करना, बच्चों डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट करना, उस लड़की का जो जीवन है उसको नष्ट कर डालते हैं। कीपिंग दिस इन व्यू, अब इसी बात को है वो ध्यान में रखते हुए डोरी सिस्टम शुड बी टोटली एबोलिश्ड। जो ये डोरी सिस्टम जो हमारे समाज के अंदर प्रचलन में है उसका क्या होना चाहिए, टोटली एबोलिश होना चाहिए, यानी पूरी तरीके से। टोटली का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से, और एबोलिश का मतलब होता है समाप्त, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अच्छी तरीके से सबसे पहले तो टॉपिक समझना है कि किस टॉपिक के ऊपर है वो मुझे लिखना है, फॉर्म में लिखना है कि अगेंस्ट में लिखना है। ये बात अच्छी तरीके से क्लियर होने के बाद है उसे हमें लिखने की है वो ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले है हमें दिमाग के अंदर अच्छी तरीके से उसको सोच लेना चाहिए कि मुझे है वो कौन कौन सी बातें लिखनी है, जो वर्ल्ड लिमिट दी हुई है उससे भी आगे नहीं बढ़ना है, और महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो भी नहीं छूटनी चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट।